हेलो एवरीवन, हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है अक्षय कुमार की ठग लाइफ, ठग वाला मामा। बहुत ही अमेजिंग कॉमेडियन एक्टर है अक्षय कुमार, एक्शन हीरो भी है, कॉमेडियन भी है और रोमांटिक हीरो भी हैं। बहुत कमाल है, मतलब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। एनर्जी लेवल और डिसिप्लिन अमेजिंग होता है इनका, तो आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच, क्योंकि अक्षय वैसे ही बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं और इनकी थग लाइफ तो क्या ही अमेजिंग होने वाली है, आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं हम भी। सो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आने पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑफिशियल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। आप देख लो पाजी, आप बड़े पर्दे पे हिट दे रहे हो, हमने इधर देखते देखते 100 एपिसोड पूरे कर लिए। और पाजी आपको याद है बॉक्स ऑफिस पे पहली कौन सी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ कमाए थे? ये बात नहीं है, ये भी नहीं याद आपको? नहीं याद नहीं। ओ यार तू मुझसे बात कर रहा, गूगल से? ओ ऑडियंस, आपके फैंस जानना चाहते हो ना? ठीक है, नहीं टाइम लगता कमाए इतना रहे, नहीं टाइम लगता गिनने का, मतलब फिर पांच बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए कलाबाजी तो मारेगा ही मारेगा। 100 की बात चल रही है तो आपको याद है आपकी 100वीं गर्लफ्रेंड कौन थी? अरे ये संजय दत्त जी वाला सवाल है। ये कपिल की ठग लाइफ और अक्षय की ठग लाइफ लगता दोनों भी साथ ही चले। तू क्या कर रहा है 3 बजे उठ के? मैंने कहा हमें माफ कर दो हम आ गए। पर पाजी वैसे आपसे पूछना था, हमने सुना था 4 बजे उठते, आप 3 बजे क्यों उठे हुए थे? सच बात बोलता, मेरी मर्जी, मैं कितने बजे उठूं। अलार्म क्लॉक लगता है इस इंसान को उठने के लिए, पूरा का पूरा क्रेन लगता है। देखो दोनों को साथ में देखो, ऐसा लगता है कि आटा पीसने वाली चक्की है। तो उबले हुए पेंगुइन लगते ही हूँ। आप इस शो पे आके ओए ओए इसके अलावा करते क्या? एक बार करना, कैसे करते हो? ये सही है कि जब शुरू किया था आपने करियर तो ये कहा था कि फिल्म सेट के फर्नीचर में और अक्षय कुमार में कोई फर्क नहीं है, दोनों डेड दिखते हैं। बिल्कुल, ये एक्चुअली किसी ने कहा नहीं, मैंने महेश भट्ट ने कहा कि अगर एक्शन कराना हो तो अक्षय कुमार को ले लो, एक्टिंग कराना हो तो बिल्कुल मत लेना। जितने भी अवार्ड नाइट्स होते हैं उसमें अगर अवार्ड मिले तो एक्टिंग आती है तो जी उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं पता चला। करते हैं ना कोई अवार्ड देता है, कई बार ऐसा होता है कुछ अवार्ड नाइट्स में कुछ अवार्ड वाले ऐसे फोन करके कहते हैं कि अगर आप फिल्म मतलब अवार्ड नाइट में परफॉर्म करेंगे तो आधे पैसे लेंगे और आपको अवार्ड मिल दिया जाएगा। तो मैं बोला आप पूरे पैसे दे दीजिए। आपको लगता नहीं कुछ ले दे के? ये ले दे के अगर काम करना है तो मतलब उससे लानत वाली बात कर देते, परफॉर्म ले लेते अवार्ड। तो ये जज साहब ये सिखा रहे हैं। था कि 11 फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हुई थी एक साथ जी, 16 आपने पहला प्रश्न पूछ के ही रियायत इतनी अच्छी दिखा दी। सबसे ज्यादा मुश्किल किस में है? कॉमेडी में।
लोगों को हंसाने में सबसे ज्यादा मुश्किल, क्योंकि रोना धोना तो आंखों में आंखें भोग लो तो आप खुद रो लो। कुछ सोच लूं कि यार ये गलत बात है जी, ये मुझे अवार्ड चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी वाइफ से ताना मिल जाता है कि लुक एट माई डैड, लुक एट माई मॉम, दे गॉट नेशनल अवार्ड, यू हैव नॉट रिसीव्ड। सो वो ठीक है, बस वो थोड़ी बहुत बात चुपती है, वरना आपकी बात या किसी और की बात बिल्कुल नहीं चुपती जी। वरना आपकी बात या किसी और की बात बिल्कुल नहीं चुपती। ओह माय गॉड, इनोसेंट लव 7-8 साल की उम्र से शुरू हो गया। हाँ जी बिल्कुल हो गया था सर, मैं दावे से बोल सकता हूँ आपका भी हुआ होगा, और अगर ना हुआ तो फिर गलत है कुछ। सर आज एक मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। हाँ, जरूर सर। सर देखिए, मेरी एक फिल्म आ रही है जॉली LLB, जिसके अंदर मैं एक वकील हूँ। अगर रजत साहब आज इजाजत दे तो मैं रजत साहब से 2-3 सवाल करना चाहूंगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एलिगेशन है सर कि आपके स्टिंग ऑपरेशन से हमारा बॉलीवुड बड़ा डरता है। सर ऐसा क्यों डराते हैं हम बॉलीवुड वालों को? ऐसा अपने काम क्यों करते हैं बॉलीवुड वाले जो डरे किसी? बिना लॉ डिग्री के सर साहब बन गए हैं एक बहुत बड़े लॉयर, और लॉयर ऑफ द नेशन। सर एक सवाल है, एलिगेशन है कि आप दूसरों की पैंट तो उतारते हैं लेकिन खुद सूट इटली वाले सिलवाते हो। सर क्या बात है? ये बात सही है कि जनता ने मुझे यही काम दिया है कि दूसरों को एक्सपोज। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी। बहुत ही अमेजिंग था, लाइफ भी अच्छी है, अमेजिंग। मतलब और दरमियान में जिस तरीके से एडिट किया हुआ था ना, उनकी हंसी से मुझे हंसी आ जाती थी। कपिल शर्मा के शो वाली बेस्ट थी। आज तक वो भारती कपिल का मुंह देखने वाला था। कपिल का तो सही तरीके से चुप, भारती और वो दूसरे उनका नाम क्या था, नानी। हाँ मे बी उन दोनों को जिस तरीके से करा ना चौल, अमेजिंग। और वो ओए 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 वाले चाय वाला आई थिंक। हाँ बहुत ही अच्छे तरीके से चंदू को भी ट्रोल किया, बहुत ही अच्छे कॉमेडियन है। बोल रहे थे कि हंसाना मुश्किल काम है, लिटरली ये काम ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। बहुत अमेजिंग एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, बहुत ही अच्छे परफॉर्मर है। 3 बजे उठ गए और कपिल को फोन किया वे तो क्या कर रहे हैं, शायद तो सोया ही ना हो। मे भी कपिल शर्मा जो है ना, रात को देख सकते हैं, बहुत सारे शोज में उनका मैंने सुना हुआ है। तो मिक्स हग लाइफ थी, कपिल की थी, अक्षय की थी, बहुत ही अच्छी और अमेजिंग वीडियो थी गाइस। सो वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक, शेयर करें चैनल को, कमेंट करें। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।